बड़ा केस था एसओजी ने इन्वेस्टिगेट किया था, उसके अंदर ये चालानशुदा अपराधी है। इसकी मर्डर सुप्रेंडी ये है कि ये नामचीन लोग, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो नेता हों, या जो भी जो बड़े बिजनेसमैन हों, जो भी इस टाइप के बड़े लोग होते हैं, उनको ये अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। तो यहाँ भी इसका एक प्रयास था कि ये हो सकता है कि मैं इस तरह से लड़कियों को अगर भेजूंगा तो वहाँ से हमारे का कोई हनी ट्रैप के केस में आगे बढ़ सकें। ये इसकी प्लानिंग थी, तो इस प्लानिंग में ये कामयाब नहीं हुआ। ये लड़की तो पहले ही वहाँ से निकल के आ गई और इसने कूद के प्रयास किया। उनका ये था कि एक सिंपल परिवादी की तरह कि हमारा कोई एक काम अटका हुआ है, कोई फाइल पे अप्रूवल चाहिए थी इनकी, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि क्या अप्रूवल चाहिए थी, क्या चाहिए था। उसमें ये था कि अगर वैसे तो लड़का खुद जा के बात करता, पर इसको लगा कि ये लड़कियों को मैं भेजूंगा तो हो सकता है कि मेरा काम सरलता से हो जाए और हो सकता है कि आगे के लिए मेरा कोई मार्ग खुल जाए या इस तरह का कोई मैं हनी ट्रैप कर सकूँ। इन्होंने भीलवाड़ा में रामलाल जी के पास इनको भेजने की कोशिश करी थी, पर उनसे इनकी कभी सीधी बात नहीं हुई। जो ये लड़की है वो कभी उनसे मिली नहीं और सीधी कभी इनकी बात नहीं हुई। इन्होंने अपने किसी सोर्स के थ्रू वहाँ पे बात करी थी, आप ये परिवादी भेज रहे हैं, हमारा कोई काम है। तो जनरली जो भी नेता होते हैं वो कहते हैं ठीक है आप भेजो, हम सुन लेंगे। और जब वहाँ पे ये गई दो लड़कियाँ लेके दीपाली और झील सर्किट हाउस में, दिन में 10-11 बजे के आसपास की बात है, जब सभी परिवादी थे, सभी थे वहाँ पे जाके मिली, इन्होंने फाइल दिखाई, तो वहाँ से इनकार हो गया ये हमारा काम नहीं है, ये काम नहीं हो सकता। आप ये मानकर चलिए हनी ट्रैप के मामले, षड्यंत्र और सब काम होते हैं, तो पहले भी तैयार की जाती थी राजाओं को मारने के लिए, भेज दिया जाता था कि ये विष पुरुष है, ये विष कन्या है, जैसे ही को टच करेगा राजा मर जाएगा। तो ये सब तो षड्यंत्र चलेंगे राजनीति में, और राजनीति में षड्यंत्र होते हैं तो पकड़े भी जाते हैं, तो उसमें वो मंत्री क्या करेगा,